अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से हैं। मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। इंडिया, पाकिस्तान और अलग अलग देशों में ये जो अभी मंथ्स चल रहे हैं, विंटर सीज़न चल रही है और सबसे फेमस वेडिंग सीज़न आया है, शादियों का मौसम आया है, हर जगह शादियाँ हो रही है। हम अपनी लाइफ में मशगूल है, हम अपने काम में बिजी है, हम वक्त निकाल कर शादियाँ अटेंड करते हैं, हम वक्त निकाल कर जगह जगह पे घूमते हैं, हमारी ज़िंदगी नॉर्मल चल रही है। पर वहाँ है कुछ लोग जिनके ऊपर अभी भी बम बरस रहे हैं, जिनके ऊपर अभी भी गोलियाँ बरस रही हैं, जिनके बच्चे शहीद हो रहे हैं, किसी का बाप शहीद हो रहा है, किसी की माँ शहीद हो रही है, किसी का भाई शहीद हो रहा है, किसी की बहन शहीद हो रही है। उनकी आजमाइश अभी भी शुरू है, पर क्यों हम भूल जाते हैं कि ये सिर्फ उनकी आजमाइश नहीं है, ये हमारी आजमाइश भी है। बेशक हम वहाँ जाके जंग नहीं लड़ सकते, हमारी अभी सिचुएशन नहीं है कि हम अपना बोरिया बिस्तरा बांधे और वहाँ चले जाए जंग लड़ने, पर कम से कम जो चीज़ें हम कर सकते हैं वो तो हम करें, जो कॉन्ट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं वो तो हम कर सकते हैं ना। कुछ हमारे करने से अगर कुछ अच्छा हो सकता है, कौम का भला हो सकता है, वहाँ शायद हमारे एक स्टेप लेने से एक जान बच सकती है, तो हम वो करने से भी क्यों पीछे हट रहे हैं। शादियाँ हम भी अटेंड कर रहे हैं, मैंने खुद ने 4 शादियाँ अटेंड की है पिछले 10 दिनों में। एक चीज़ मैंने नोटिस की थी, अच्छे से लोग खाते हैं, पीते हैं, सलाम दुआ करते हैं, एक दूसरे को दुआएं देते हैं, पर जो आखिर में हो रहा था वो चीज़ से फिर एक दिल में झिझक पैदा हो गई थी कि वहाँ लोग मर रहे हैं और अभी भी इजरायली प्रोडक्ट्स लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कितनी गलत बात है ना। एक शादी में मिनिमम 500 to 1000 लोग आते हैं, और अगर हम खाली 500 का फिगर पकड़ते हैं तो 500 में से 300 लोग भी अगर सोडा की बॉटल यूज़ कर रहे हैं जो इजरायली ब्रांड की है, तो आप सोचिए कि आज भी हम मुसलमान होकर उनको कितना प्रॉफिट दे रहे हैं। हम मुसलमान होकर हम पैलेस्टाइन वालों की जान लेने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि मैं अकेला अगर कोई एक सोडा की बोतल पी लूँगा तो क्या हो जाएगा। अकेले अकेले करके सिर्फ इंडिया के मुसलमानों की आबादी 35 करोड़ की है। आप सोचिए कि बाकी एशिया की कितने लोग हैं, एशिया की कितनी कंट्रीज है जहाँ पे इजरायली प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना नॉर्मल है। एक डव का साबुन आप लोग यूज़ करना नहीं छोड़ सकते, डव का शैम्पू आप लोग इस्तेमाल करना नहीं छोड़ सकते, मैगी खाना नहीं छोड़ सकते आप लोग। आप खुद सोचें कि आप कितनी इजरायली प्रोडक्ट से घिरे हुए। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, ब्रांड्स की हमें आदत पड़ गई है, मेबेलिन न्यूयॉर्क, बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स है, ओरल बी का टूथब्रश, हर चीज़ से हम चारों तरफ इजरायली प्रोडक्ट से घिरे हुए हैं। और यही पैसे जो हम 20 रुपये या 10 रुपये की मैगी खरीद रहे हैं या 30 रुपीज़ की सोडा की बॉटल खरीद ले रहे हैं हम लोग, पेप्सी, थम्सअप, स्प्राइट, फैंटा, मैंगो स्लाइस वाली बॉटल है, ये सारी जो 10-20 रुपये आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो सिर्फ 20 रुपये, पर वो 20 रुपये 20 जन भी अगर लेते तो 400 रुपये हो जाते। और आप खुद जानते हैं कि मुसलमानों की आबादी कितनी है, बच्चे बच्चों को कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत है, बच्चे बच्चे वही टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं अभी भी। ये देखकर शर्म महसूस होनी चाहिए आप लोगों को, ये शर्म महसूस होनी चाहिए कि आपके 10-20 रुपये होकर वहाँ पे करोड़ों का नफा दे रहे, और वही पैसों से वो लोग मिसाइल खरीद रहे, वही पैसों से वो लोग ड्रोन्स बना रहे, वही पैसों से वो लोग बॉम्ब्स बना रहे, और वहाँ पैलेस्टाइन के लोगों की जान जा रही है। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे कि आप अकेले नहीं हैं? आप नियत तो करके देखें, अपने नफ्स पर काबू तो करके देखें, अल्लाह की मदद आएगी आपके लिए। जिस दिन आप ये मुकम्मल कर लेंगे ना कि मैं कोई भी इजराइल प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे पैलेस्टाइन के भाई बहनों के बच्चों की जान बचे, तो अल्लाह तरफी मदद आएगी। आज आप किसी और की मदद करने की नियत करें, जब आप मुश्किल में होंगे तो अल्लाह आपकी मदद करेगा। पर अगर आप इस जुर्म में साथ देंगे तो माफ़ करिएगा, आप में और इसराइलियों में कोई फ़र्क नहीं है। अस्सलाम वालेकुम।